मेरा नाम राजरानी है, मिड डे मील यूनियन की मैं जिला सचिव हूँ। आज हम लोग आज हम मिड डे मील वर्कर यूनियन सब इकट्ठे होके ये लघु सचिवालय में इसलिए पहुँचे हैं क्योंकि जब से हम स्कूलों में काम कर रहे हैं तो ये सरकार है ना मिड डे मील की ओर बिल्कुल भी नहीं सोचती। काफी धरने प्रदर्शन लगाने के बाद 3500 से अगर हमने ये 7000 सरकार ने दिया भी है तो वो भी मतलब सही ढंग से नहीं दे रही। 6 महीने का मानदेय पीछे भी रुका हुआ था तो पूरा धरना प्रदर्शन लगाने के बाद वो पैसा मिला। अब फिर क्या है कि ये हमारा पैसा फिर अटका हुआ है। 2 महीने हो गए हैं, 5वां महीना और 6ठा जो ये खत्म होने वाला है, ये नहीं आ रहा पैसा। और ड्रेस जो है 2018 में लागू हुई थी तो 600 रुपया देती है सरकार, 600 में तो देखो ड्रेस बनती नहीं है, 100 की चुन्नी और 250-300 सिलाई आ गई। और वो 600 रुपया भी 2018 से लेके 19 का पैसा आया है, उसके बाद आज तक ड्रेस का पैसा ही नहीं आया। और हमारी मिड डे मिल है 1 महीना जो है गर्मी की छुट्टियों में घर बैठती है, उसके अलावा स्कूल में ही लगातार काम कर रही है। खाना बनाने के अलावा बहुत सारी इससे बेगार भी कराई जा रही है, कर भी रही है, लेकिन हमें वो मेहनताना जो है पूरा नहीं मिल रहा। तो हम ये सरकार से मांग कर रहे हैं और आने वाली 23 तारीख को हम शिक्षा मंत्री के जो यमुनानगर में वहाँ पहुँचेंगे इकट्ठी होकर और पूरी संख्या में जाएंगे, तो वहाँ यही मांग लेके जा रहे हैं कि हमारा जो है रिटायरमेंट जो है 60 साल में कर देते हैं, धक्के दे के निकाल देते हैं, कुछ भी नहीं उनको मिलता, तो 65 साल जो है इसकी उम्र करी जाए रिटायरमेंट की और कम से कम 2 लाख रुपया तो रिटायरमेंट का दिया जाए क्योंकि इसमें काफी विधवा महिला काम करती है, तो वो रिटायरमेंट के पैसे से अपने बच्चों का पालन पोषण कर सके। और वर्दी का हमें 600 रुपए की बजाय 2000 रुपया जो दिया जाए और 10 महीने तनख्वाह मिलती है तो 10 महीने की बजाय हमें 12 के 12 महीने जो है मिड डे मील को तनख्वाह हमें सरकार दे। और इसके अलावा जो है हमें 24,000 जो हमारी वर्कर मांग कर रही है न्यूनतम जो वेतन है हमारा वो भी हमें मिलना चाहिए। तो इन मांगों को लेके हम ये 23 तारीख को यमुनानगर में राज्य स्तरीय रैली में भाग लेने जा रहे हैं, वहां पहुंच रहे हैं, तो अभी इसकी तैयारियां चल रही हैं। आज हम इसका नोटिस देने आए हैं, तो ये डीसी साहब के मार्फत हम नोटिस शिक्षा मंत्री को देना है, तो इन बातों के लिए हम आज इकट्ठे हैं। हाँ जी, आज ये वर्क डे था तो अभी कुछ खाना भी संभाल रही हैं, ड्यूटी भी कर रही हैं, तो उनमें से एक दो जो है पूरे जिले से नोटिस देने के लिए वर्कर बुलाई है। तो इनकी जो कोई समस्या है जैसे बेगार का लेटर निकाला, शिक्षा अधिकारी जी ने लेटर निकाल दिया कि स्कूलों में बेगार ना कराई जाए। जब स्कूलों में हम जाके टीचर से बात करते हैं कि इनका काम खाना बनाना है तो इनसे बेगार क्यों करवा रहे हो, क्यों ये बारी निकलवा रहे हो, घास कटवा रहे हो, तो टीचर भी हमारी जो मुद्दे में संतोष प्रधान है उनके गले पड़ गया, वर्करों के गले पड़ गया, उल्टा जो हटाने का डरावा देता है। तो ये शिक्षा अधिकारी का तो लेटर की कदर नहीं हो रही। आज हम ये भी बात करेंगे कि हमारी वर्करों से बेगार ना कराई जाए और मेडिकल जो निःशुल्क का लेटर सरकार ने दिया है उसका भी पैसा लिया जा रहा है। तो अभी बात करी थी सिविल सर्जन जी से तो उन्होंने 1-2 गांव में फोन कराया, वहां पैसा नहीं लिया तो बाकी दूसरे जगहों में पैसा जो है जिले में लिया जा रहा है। इसके लिए भी हम शिक्षा अधिकारी से हम बात करेंगे कि हमारा मेडिकल निःशुल्क हो। तो और भी समस्याएं हैं वर्कर की, स्कूल मर्ज होने पर वर्कर हटाई हुई है, तो हम कहते हैं कि वर्कर मास्टर तो दूसरे स्कूल में चले गए, बच्चे भी वो स्कूल में चले गए, वर्कर घर बैठ जाती है, जिसमें 200-300 पे काम करे आज वो घर बैठती है, तो उसमें विधवा महिला अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे करे। ये मांग के लिए आए हैं कि इनको जहाँ वर्कर 60 साल की रिटायर हो जाती है दूसरे स्कूल में वर्कर जो होती है उसको एडजस्ट किया जाए, इस मांग के लिए आए हैं। ये अहमदपुर गाँव है मीरपुर के पास है, तो अभी वर्कर 45 साल की उसकी उम्र है, तो वो वर्कर जो है उसको थोड़ी बहुत परेशानी आ रही है, बीमार है, उसने छुट्टी लेनी चाहिए टीचर से, मैडम ने उनको छुट्टी नहीं दी,
उल्टा घर जाके उनको हटाने के साइन करवाने के लिए चली गई, तो वो साइन को देख के, हटाने के डर को देख के वो ज्यादा बीमार पड़ गई। तो हम ये मांग करते हैं कि जब तक हमारी वर्कर 60 साल की नहीं हुई, उसकी उम्र पड़ी है अभी, तो उनको जो है एक महीना दो महीना जो छुट्टी दी जाए, और उसकी जगह पे उसका घर का मेंबर भी तो कार्य कर सकता है जब तक वो जिंदा है, तो और नई वर्कर जो है नहीं लगानी चाहिए। ये मांग भी शिक्षा अधिकारी जी के पास हम लेके आए हैं कि इन मांगों का जो है हमारा जो ये कुछ ना कुछ हल